अस्सलाम वालेकुम बाबर बेग साहब, मैं जमाल सरद्दी, आपका मुझे ताउन मिला है, पैसे मिले हैं, मुझे बड़ी मेहरबानी, आपने बड़े मुश्किल टाइम में मेरा साथ दिया। और बाकी मैं अभी तक चल फिर तो नहीं सकता, मैं लाहौर नहीं आ सकता क्योंकि गुर्दे और यूरिक एसिड ये हाई है और मेदा मेरा, और इलाज करवा रहा हूँ, 4 दिन की दवाई रह गई थी। और भी सुहेल साहब, टागर साहब, बड़े बड़े आर्टिस्ट मेरे साथ ताउन कर रहे हैं, और मैं अलहमरा आर्ट काउंसिल वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे जैसे आर्टिस्ट जो घरों में बैठे हैं, मुस्तहिक हैं, उनकी फाइलें रिजेक्ट हैं, उनके फंड बहाल किए जाए। पहले उनके फंड मिलते थे पंजाब बैंक की तरफ से, हमें मिल जाते थे, अब हमारे फंड बंद हो चुके हैं। और बाबर बेग जैसे बंदे जहाँ भी वो आर्टिस्टों का ताउन करते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी, मैं बेहद मशकूर हूँ। मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना थोड़ा है। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं अन करीब ठीक हो जाऊँगा, फिर मैं लाहौर आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी लाहौर में गुजार दी है। अब मैं जब चलने फिरने के काबिल नहीं रहा तो मुझे घर वाले उठा के डेरा इस्माइल खान ले आए हैं, तो वो हमारी सफ़ेद पोशी जो फंड थी वो बंद हो चुकी है। मैं एक नहीं, कई पंजाब में कई आर्टिस्ट घरों में बैठे हुए हैं मुस्तहिक, जिनका हक बनता है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बेहद मशकूर हूँ मैं बाबर बेग साहब, और बाकी बड़े बड़े आर्टिस्ट सुहेल अहमद साहब, ठाकर साहब, उन्होंने हमारे साथ, मेरे खासकर मेरे साथ बहुत उन्होंने ताउन किया है, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। और अलहमरा आर्ट काउंसिल वालों से, पंजाब हुकूमत से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुस्तहिक आर्टिस्ट जो घरों में बैठे हैं, चल फिर नहीं सकते, उनके लिए ज़रूर कुछ करो। खुदा हाफिज़।